Class 10th, question number 16, left hand side, we have taken it, we know that tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. Similarly, cot theta is equal to cos theta divided by sin theta. और इन दोनों को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये बनेगा जी cos theta प्लस sin theta. अब यहाँ पे आप एलसीएम लें तो बनेगा cos theta sin theta, cos से cos कैंसिल, तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. और साथ हमने उसी तरह लिख लिया cos थीटा प्लस sin थीटा. फंडामेंटल फार्मूला हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और डिवाइडेड बाई हमने लिखा cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई. अभी हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, cos थीटा को किस पे डिवाइड किया, इस पूरे पे डिवाइड करें cos थीटा sin थीटा. सिमिलरली sin थीटा को भी किस पे डिवाइड किया, cos थीटा साइन थीटा पे. अभी यहाँ पे कैंसलेशन देखें, 1 बाई कॉज और यहाँ पे साइन से साइन कट गया, तो हमारे पास रह गया 1 बाई साइन और यहाँ पे 1 बाई कॉज. तो 1 बाई साइन, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट, तो ये आपके पास बना कोसेकेंट थीटा प्लस 1 बाई कॉज इज सेकेंट थीटा, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड. Question number 17, I have taken left hand side. Now tan theta can be written as sin theta over cos theta, and cot theta can be written as cos theta over sin theta. एलसीएम लें, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा, अब cos से cos कैंसिल, तो sin मल्टीप्लाइड बाई sin, इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा, और sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos मल्टीप्लाइड बाई cos, cos स्क्वायर थीटा. अभी आप देखें ये sin और ये sin कट गए, और दूसरा फंडामेंटल फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और नीचे जो टर्म रह गई है वो रह गया है cos थीटा, और 1 बाई cos, cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 18, पहले स्टेप में आप एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास बनेगा sin थीटा और ब्रैकेट में आप लिखें 1 प्लस cos थीटा, sin से sin कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1 प्लस cos थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में भी आपके पास आएगा 1 प्लस cos थीटा. आप अगर यहाँ पे होल स्क्वायर लेते हैं तो वो भी ठीक है, प्लस 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, sin मल्टीप्लाइड बाई sin, इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा. अभी आप मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इट विल बिकम 1, 1 को cos से मल्टीप्लाई किया तो ये बना cos थीटा, अब cos को 1 से करें तो ये बनेगा cos थीटा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई cos मल्टीप्लाइड बाई cos कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास टर्म मौजूद है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा. अभी आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये कितना होगा, ये 1 होता है, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस cos थीटा और cos थीटा 2 cos थीटा, और ये मैंने आपको बताया है कि ये कितना होगा, 1 होगा, तो इसकी जगह 1 लिख लें, डिवाइडेड बाई sin थीटा और ब्रैकेट में आपने लिखा 1 प्लस cos थीटा. अभी आप देखें 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा, और एज इट इज़ लिख दें इसको, अभी आप ऊपर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो अब यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कॉस थीटा। इसी तरह नीचे आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर हैं। तो आपके पास बच गया 2 बाई साइन थीटा विच कैन बी रिटन एज 2 और 1 बाई साइन कितना होता है कोसेकेंट थीटा, जो कि आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है।